अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में और डेसिमल में। सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड देखेंगे। आपने क्या करना है, ये आपकी वैल्यू है 823। हेक्साडेसिमल में हम जानते हैं कि ए रिप्रेजेंट कर रहा होता है 10 को, तो ए इक्वल टू 10 है। इट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है वो 1023 है। इसको आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। इसको करने का तरीका ये है कि आपने अपनी वैल्यूज़ के अलग अलग से बाइनरीज निकाल लेने हैं 4-4 बिट्स में। मीन ए है तो ए की बाइनरी निकाल लेनी है, ए मीन 10 तो 10 की बाइनरी निकाल लेनी है 4 बिट्स में, 2 है तो 2 की आपने 4 बिट्स में बाइनरी निकाल लेनी है, और नेक्स्ट 3 है तो 3 की 4 बिट्स में बाइनरी निकाल लेनी है। बाइनरी किस तरह से निकाली जाएगी, आइए देखते हैं। हमारी वैल्यू है 823। ए हेक्साडेसिमल में 10 होता है, तो 10 की बाइनरी निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 टाइम्स 10, रिमाइंडर में हमारे पास 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर में हमारे पास 1, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर में हमारे पास 0। तो 10 की हमारी बाइनरी होगी 1010। नेक्स्ट है 2 2 1 ज़ा 2 और पीछे हमारे पास बचा 0, तो 2 की बाइनरी हमारी होगी इस तरह से 1 0। चूँकि हमने 4 बिट्स पूरे करने हैं तो लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा ज़ीरोस लगा देंगे। नेक्स्ट बाइनरी देखिएगा 3 2 1 ज़ा 2, पीछे हमारे पास 1, तो इसकी बाइनरी आई 3 की 1 1। 4 बिट्स पूरे करेंगे एक्स्ट्रा ज़ीरोस लगाकर, तो इस तरह से बाइनरी को फाइंड किया जाता है। जी तो आपने बाइनरी निकालने का तरीका समझ लिया है। 10 की जो बाइनरी है वो है 1010। इसी तरह से जो हमने 2 की बाइनरी फाइंड की थी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है 0010। थर्ड हमारी जो बाइनरी थी वो वैल्यू 3 की बाइनरी थी 4 बिट्स में, वो है 0011। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को तरतीब से लिख लेना है जिस तरह से आपकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में है, इस तरह से, और यही आपका आंसर होगा। आपने वैल्यू को तरतीब से लिखा और उसके आगे उसी तरह से आपने उनकी बाइनरीज को लिख दिया। तो आई होप आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आ चुकी होगी।